वालेकुम, की हाल चाल है यार? सजनों ठीक ठीक ठाक हो? और सेहत भी ठीक है? अच्छा यार, आज मेरा जन्मदिन है, ठीक है ना? इस जन्मदिन के खुशी के मौके पर ना मैं अपने दोस्तों वीरां नूं एक रिक्वेस्ट करना चाहना कि यार जिंदगी विच ना हमेशा हसदे मुस्कुराते रहा करो, ठीक है ना? गम तकलीफां परेशानियां ये जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन कोशिश कराया करो कि अपने गम छुपा के ना तो चेहरे पर मुस्कुराहट जी है ना वो लेके आया करो। जेड़ा भी बंदा ना उदा जेड़ा पहला फर्स्ट फेस इंप्रेशन होंदा ना वो अगले बंदे नूं बड़ा अट्रैक्टिव करता है, ठीक है ना? फर्ज करो कि अगर तुसी किसी बंदे नूं मिलदे हो जिंदगी च पहले टाइम मिलदे हो, तुसी उसनूं पुछदे हो कि यार की हाल चाल है, ठीक ठाक है? वो आंदा ठीक है, बस यार जिंदगी गुजर रही है, बड़ी औखी है। तो तुसी उहदे बारे की इमेज करोगे? तुसी करोगे यार बंदा तो यार की है यार रोने रोन लिया जिंदगी दा अपने। उहदे मुतबादल तुसी किसी दूसरे बंदे नूं मिलदे हो कि यार की हाल चाल है, ठीक ठाक? आंदा शुक्र अलहमदुल्ला यार, अल्लाह पाक दा बड़ा शुक्र है, मौज लगी है। तो तुहानू उहदा लहजा याद रहेगा, ठीक है ना? तुहाडा दिल करेगा उहदे नाल गलबात करां या उहदे नाल वक्त गुजारा। पहले बंदे दी निस्बत तुसी इहदे की इंप्रेस करोगे कि यार है बंदा ठीक है? इस वास्ते कि जिंदगी विच हमेशा खुश रहा करो। मैं तुहानू कहानी सुनाना वा, चीन दे विच ना तीन साधु रहिंदे हुंदे सी, ठीक है ना? जिन्हां दा काम है कि सिर्फ पब्लिक प्लेसां ते जाना, जिथे लोग कट्ठे होए ने, जिथे वाहवा ग्रो होया ना उत्थे जाना ते उत्थे हंसना शुरू कर देना। उन्हें कदी जिंदगी च किसी ने गल नहीं की, सिर्फ उन्हां दा एक काम है कि जिथे पब्लिक प्लेसां ने वाहवा हजूम कट्ठा होया ना, गैदरिंग जिथे वाहवा कट्ठी हुई है उत्थे जाना ते हसना शुरू कर देना, ठीक है ना? ते उन्हां वल वेख के लोकां कट्ठिया होना तो लोकां फिर उन्हां वेख के हसना शुरू कर देना। ते जदों सारे लोग सारे अपने गम शम भुल के हसना शुरू कर देंदे ना तो वह चुप करके उत्थों निकलते तो किसी दूसरे मकाम पहुँच जाते, किसी चौंक चौराहे विच पहुँच जाते कि जिथे जरा गैदरिंग कट्ठी हुई हुंदी ना उत्थे जाके हसना शुरू कर देंदे। आस्ता आस्ता पूरे चीन दे विच मशहूर हो गए, तो पूरे चीन दे विच उन्हां दा नाम मशहूर हो गया थ्री लॉफिंग मोंक्स, तीन हसन वाले जिहड़े साधु ने ना उहदे तों मशहूर हो गए। तो पूरे चीन वाले उन्होंने प्यार भी करन लग पे कि यार जिथे जाते हैं तो खुशी का बायस बनते हैं, हर बंदा इन वेख के ना खुश होंदा, हसदा, अपने जिंदगी के गम जो भुल जाता। तो आस्ता 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 वक्त गुजरता गया, हूँ तिने जो साधु ने ना वो ज़ईफ हो गए, कमज़ोर हो गए, बुढ़े हो गए। हूँ वो एक रात एक पिंड जा रहे हैं तो एक साधु का ना बिचों वक्त आखिरी आ गया, उन्होंने मौत ने आ घेरिया तो वो फोत हो गया। हुण जदों बाहर खबर फैली ना चीन दे विच ते लोग जोकदर जो कट्ठे होए, एक तो लोगों को परेशानी ही दुख ही कि यार साधु हसन का बायस बनता है, खुशी का बायस बनते हैं, वो फौत हो गया। दूसरा लोगों को इंकशाफ पैदा होया कि यार अज के जिहड़े दूसरे दो साथी ने ना अज तो जरूर रोणगे, तो चलो अज ना रोंदिया वेने आ। वो सारे लोग जोकदर जो कट्ठे उस पिंड की तरफ, जदों उन्हें आख वेख्या ना एक साधु जरा फोत आ, दूसरे दो साधु जो ने उदे कोल बैगना तो हस रहे ने, उची उची हस रहे ने, ठीक है ना? उस सियाने लोगों ने पूछा कि यार तुहाडा यार सज्जन फोत होया तो तुसी कोल बह के हस रहे हो? उन्हें कहा जदों असी रात में सुकून दे विच आ रहे हैं ना तो साढ़े एक शर्त लगी ही कि जरा पहला फोत होएगा ना वो शर्त जित गया, ठीक है ना? तो यदी जित अपनी हार से ही हसन डे हाँ, ठीक है? तो चीन के रवाज के मुताबिक जरा फोत हों ना उन्होंने नवा धवा के ना नवे कपड़े पवा के तो मैया तुम अग लाई जाती है, ठीक है ना? उस साधु की वसीयत के मुताबिक उन्हें कहा कि जो मैं फोत होव मेरे ना कपड़े बदलने ने तो ना मैंने नवालना, मैं इंज ही अग ला दौ, ठीक है? वो जो फोत होया वसीयत के मुताबिक लकड़ियाँ कट्ठिया की गई, उन्होंने अग लाई गई, ठीक है ना? वो जिसम के थोड़ा जहा ना आतशी बारूद ही कुछ उन्हें पटाखे वगैरह तो आतशी समान जरा इन्हें छुपाया था ही। वो जो अग लगन ना समान वालू गया ना तो फटिया ना जाके तो वह गाँव के सारे लोगों के बजुर्गों के बच्चों के औरतों के चेहरे पर मुस्कुराहट बखेर गया। तो साधु जाता जाता भी ना लोगों फिर हसा गया, ठीक है ना? इस वास्ते कोशिश कराया करो कि जिथे भी बवो जिथे भी खलोवो लोगों को खुशी का बायस बनो, लोगों को मुस्कुराहट चेहरे पर लाने का बायस बनो, ठीक है ना? जिंदगी हमेशा अच्छे तरीके गुजारो, हर बंदे ना हस के खुश हो के जरा ना मिलो। मेरी हिस्ट्री तो काफ़ी दोस्त परी होनी है ना यार, चार्ली की ही, ठीक है ना? बाप उन्हों का छड़ गया, ठीक है? वालदा की स्टेज पर गाना गाद आवाज़ चली गई, ठीक है? 40-45 साल का ही दुखों तकलीफा परेशानियों में जवान होया, उन्हें अपने गम दुख तकलीफ परेशानियाँ जरा पसे पुस्त डाल के ना
ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੂਵੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। 40 ਦੀ ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਨਾ ਹਸਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੁਵਤਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਇਲਾਗ ਬੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਸਾਇਆ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਹਿਰਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਵੇਖੇਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੱਸਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰਕਤਾਂ ਹੀ ਐਕਟਿੰਗ ਹੀ ਐਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਰਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਿਆ ਕਰੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਮਿਲਦਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਮਿਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਬੋਇਸ ਬਣੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਗਮਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਹ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਯਾਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਫਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਲਹਿਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ। ਸੱਜਣੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੱਸਦੇ ਵੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਅਤੇ ਵਾਕ ਕਰਿਓ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਵਾਸਤੇ।